वेलकम इकरानी में टेलीवी लाइन पे ज्वाइन किया है तारिक हसन साहब, साबिक नाजिम कराची, नायब नाजिम कराची भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं काफ लीग के। तारिक भाई, तो आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज भाई, आप खैरियत से? सर, किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, जो अंदरूनी खबर है काफी ये है कि चौधरी साहब को कहा कि चौधरी परवेज लाई हमारे कैंडिडेट हो, यानी कि हुकूमत की तरफ से, अब अगर आप वो नहीं हो रहे तो आप हमजा शहबाज को सपोर्ट करें, जिसके ऊपर चौधरी शुजात साहब खामोश हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं कराची में मौजूद हूँ इम्तियाज भाई, मैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन चल रहा है उसमें काफी ज्यादा बिजी हुआ हूँ, मैं जा नहीं सका वहाँ लाहौर। अगर मैं वहाँ होता तो ज्यादा अच्छे तरीके से इस पर मैं बात करता, लेकिन बात यह है कि जो भी चौधरी शुजात साहब फैसला करेंगे हम उनके फैसले के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे बड़े हैं, और उनका जो भी फैसला होगा, मरकज में उन्होंने फैसला किया कि जी हम जो है अपोजिशन की सपोर्ट करेंगे और हमारे जो है दो मिनिस्टर्स यानी तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सालिक साहब वहां पर गए और उन्होंने वहां जाकर उनको वोट दिया। अब सुबह में उनका जो भी फैसला होगा, परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करनी है, जो अब तक हमने सुना है, हमें ये कहा गया कि जी सुबह में परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करनी है तो करेंगे, और मरकज में हम गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। तो लेकिन अभी तक हतमी फैसला उनका नहीं आया, जो भी आएगा हम उनके साथ खड़े हैं। सर, एक तो ये चीज, आज इमरान खान ने फिर कहा है कि कुछ एमपीएस खरीदे जा रहे हैं, वही इल्जाम की सियासत, जिस तरह सिंध हाउस में और जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम लगा, जरदारी साहब एक अच्छी सियासत करते हैं, लोगों के पास चले जाते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, लॉबिंग करते हैं, सब कुछ करना, ये तो सियासत में सियासतदान यही तो करता है तारिक भाई। देखिये, ये बात तो बिल्कुल इंतहाई गलत है और ये कहना भी गलत है, आपने बड़ी अच्छी बात की, सियासत नाम ही मिलने मिलाने का है। सही। और सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते और अच्छा सियासतदान कभी भी अपने दरवाजे ना किसी के लिए बंद करता है और उसको बंद करने भी नहीं चाहिए, सियासत रास्ता निकालने का नाम है। तो अगर जरदारी साहब लोगों से मिलते हैं जाकर तो अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए, ये उनका हक है और मैं इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन मुझे नहीं पता, इमरान खान साहब तो पंजाब के इलेक्शन से भी परी हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे थे कि जी हुकूमत जो है वो धांधली कर रही है और हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत सीटें मरवा देगी, लेकिन रिजल्ट उनके सामने है। सही। मैं समझता हूँ कि अब इदारे भी, अब लोग भी, और अब सब लोग समझते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर चलना चाहिए और हुकूमत बनाना और हुकूमत गिराना ये सबका हक है। इमरान खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए, उनकी पूरी टीम भी मार्केट में इस वक्त उतरी हुई है, तो जाहिर बात है अपोजिशन की भी पूरी टीम या गवर्नमेंट की भी पूरी टीम उतरेगी, वो भी जाके अपनी कोशिश करेगी और वो भी जाके चाहेगी कि उनके उनकी हुकूमत बन जाए, हमजा साहब जो है वो कंटिन्यू कर लें। तो मैं इस कोशिश को किसी गलत नजर से नहीं देखता। तारिक हसन साहब, आपको खुद पता है कि जितने तारीख में इमरान खान ने इदारों के ऊपर तनकीद की है किसी ने नहीं की, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, हमारे आर्म फोर्सेस को नहीं छोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, नाम ले लेकर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, न्यूट्रल, सब कुछ उन्होंने करके देखा, फिर भी इलेक्शन के रिजल्ट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, एक फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ है, शिफाफ इलेक्शन हुआ है। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में फ्री एंड फेयर एंड शफाफ इलेक्शन हुआ है। अगर आप इस बात को देखते हैं तो क्या नून लीग वालों ने कम सपोर्ट की जो है, कम अगेंस्ट बात की सदर एस्टेब्लिशमेंट के? क्या निक्के के अम्मा ने यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात नहीं की थी? तो बातें तो सबने की है। जब वो वैसे ही होता है, जब जिसके हाथ से खेल जाता है वो कहता है जी वो हमारे साथ तो जो है वो, चाहे वो जिस वजह से भी जाए, चाहे उनकी अपनी गलतियों की वजह से जाए, चाहे उनकी अपनी कोताहियों की वजह से जाए, लेकिन वो इल्जाम किसी और पे डालते हैं, इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे आसान काम इस वक्त ये हो गया है कि अपनी सारी गलतियां कोताहियां आप खत्म करके और इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे हटा दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ साजिश कर दी। और भाई, एस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी आपके खिलाफ साजिश कर दी, आपके खिलाफ कौन सा कहां प्रूव हुआ, आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। बट फिर भी हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना बदनाम नहीं करना चाहिए। तमाम पार्टी से मेरी ये गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज में मत धकेलें, अपनी कोताहियों पर अब गौर करें, अपनी कमियों पर गौर करें और इस बात पर कोशिश करें कि अवाम की खिदमत कैसे करनी है।
इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है, जिस महंगाई के बहरान से गुजर रहा है, आप बिजली की कीमतें बढ़ाने की फिर बात हो रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इससे ज्यादा और क्या जाएंगी, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस वक्त तो सबकी तवज्जो ये होनी चाहिए कि डॉलर को कैसे कंट्रोल में लेकर आना है, बिजली की कीमतों को कैसे कम करना है, पेट्रोल की कीमतों को कैसे कम करना है, आवाम को खाने पीने की चीजों में रिलीफ कैसे देना है। वो जो भी करेगा मैं समझता हूँ कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी प्यारा होगा और वो आवाम को भी प्यारा होगा। आपको खुद पता है कि एक मीटिंग हो गई कल और सब इस पे इत्तफाक है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, हमने सख्त फैसले किए, मुल्क को बचाया है, महशियत को बचाया है और इलेक्शन टाइम पे ये फैसला सब सियासी जमातें मिलके, जिसमें काफ लीग भी है, आप मरकज में हैं, और ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर हो गया, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जब चाहे कि अपने टाइम पे इलेक्शन कराएगी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं इनकी इस बात की सपोर्ट करता हूँ कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अपने टाइम पे होने चाहिए, क्योंकि असेंबलियों की मुद्दत 4 साल नहीं थी या 3.5 साल नहीं थी, असेंबलियों की मुद्दत 5 साल थी। वो असेंबली के अंदर चेंज आया है इमरान खान के खिलाफ, अंदर से जो है उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया जिसकी वजह से उनको चेंज किया गया, तो असेंबली तोड़ने का जवाब नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि इनको भी चाहिए कि ये भी अपना पूरा 5 साल पूरे करें, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो भी असेंबली आए, क्योंकि पहले हमारे रिलेशनशिप पे यही होते थे कि जी असेंबली अपना टाइम पूरा नहीं करती, असेंबली तोड़ दी जाती है, तो अगर पहले एस्टेब्लिशमेंट तोड़ती थी तो आप खुद तोड़ रहे, आपको आदत पड़ चुकी है, जिसका मर्जी का खेल ना हो वो असेंबली तोड़ दे, यानी आखिर में जाते हुए ग्राउंड से जो है आप विकेटें भी और बॉल भी लेके भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असेंबली को अपना टाइम पूरा करना चाहिए चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, और 3-3.5 साल अगर उन्होंने 4 साल इन्होंने बर्दाश्त किया है तो 7-6 महीने वो भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन बात यही आती है कि वो असेंबली टाइम जरूर पूरा करे लेकिन आवाम की रिलीफ के लिए कोई काम करे, आवाम की फलाह के लिए कोई काम करे। अगर आवाम ने इसी तरह पिसना है, बिजली आज एक गरीब आदमी की पहुंच से बिजली बाहर चली गई है, आज एक गरीब आदमी की पहुंच से जो है वो पेट्रोल की कीमत बाहर चली गई है, आज डॉलर आप देखे ना कहाँ जा रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, आपको इसके लिए इकदाम करने होंगे। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ हुकूमत को और तमाम अपोजिशन को बशमूल हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि असेंबली तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, असेंबली अपना टाइम पूरा करे लेकिन साथ साथ आप ऐसे इकदाम करें जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब तारिक हसन साहब, बैक जो टाइम था ब्रेक का।